Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हमने 171 तक क्वेश्चन कर लिए थे, इससे आगे करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। जब जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप अन्य ट्रेड से हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो करते हैं शुरुआत। अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में, तो प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पर हमारी वीडियो पहले से ही अपलोड है, वो आप देख कर अपना रिवीजन कर लें। एग्ज़ाम जुलाई में है। और अगर सेकंड ईयर में है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप भी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लें और बहुत ही जल्दी इन वीडियो को रिवीजन कर लें, आपके एग्ज़ाम हो सकता है जुलाई में होगी, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला, यानी कि RCA प्लग, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 150 ओम से 75 इफेक्ट समाक्षी केबल के साथ विशेषता प्रतिवादा में वेमोल का प्रभाव क्या है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर आप लोगों ने कौन सा लगा दिया है, अगर आप लोगों ने 172 का सी ऑप्शन लगाया यानी कि घटकों का ताप, ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपको हर क्वेश्चन पर 3 सेकंड दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आप इसका आंसर बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। ऑडियो केबल के लीड और शील्ड के बीच में कॉटन ब्रिंड क्यों दिया जाता है? चलिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड। 173 का राइट ऑप्शन बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो कौन सा हो गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, केबल के लचीलेपन के लिए, यानी कि इसका सी ऑप्शन 173 का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला है। क्यों किसी अन्य स्थान को जोड़ने के लिए उच्च शक्ति एम्पलीफायर के लिए अधिक संख्या में स्ट्रेंस और मोटी गेज का तार का उपयोग किया जाता है? देखते हैं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 174 का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोगों ने कौन सा लगा दिया? सी आप लोगों ने लगा दिया, गलत है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि हमारा ये वाला, लाइन हानि से बचने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग। आगे देखते हैं 175 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, अंत कनेक्टर के बिना नंगे समाक्षी केबल का उपयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रहे चारों ऑप्शन 175 का, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए मिल गया आपको 3 सेकंड, जल्दी जल्दी करिए। आप लोग अपने माइंड में तुरंत सोच लिया करें कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। और एक नहीं तो आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं, उसमें लिखते जाएं कि हमारे कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, लोड बेमोल अपॉन मिस मैचिंग, यानी कि सी ऑप्शन 175 का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है, शॉर्ट वेव वेंड के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है? चलिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड, 176 का, जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन का आंसर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 176 का? अगर आप लोगों ने 176 का 3 MHz to 30 MHz, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 176 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने एम्पलीफायर जो अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग ज़रूर बता दें, ये जो हमारा एंटीना वाला जो है, अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर ये पढ़ा होगा, क्योंकि एंटीना जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे यहाँ पर क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंस एग्जाम जब हम देते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करना, एंटीना का चैप्टर को अच्छे से एक या दो बुक से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो 177 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये एंटीना है, इसको बताना, देखते हैं क्या बताना है, इसका ब्लॉक आरेख का नाम बताना, बस आरेख है इसका हमें नाम बताना, ये कौन सा है तो बता देना। 3 सेकंड आपको मिल चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने TRF लगाया है तो आपका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ट्रेनी। आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा है, रिसीवर सर्किट की निष्ठा क्या है? निष्ठा पूछी हुई है कौन से, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए दीजिए आंसर जल्दी से जल्दी। तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, जटिल संकेतों मिश्रण, यानी कि कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसके हिसाब से? इसके हिसाब से हमारा ये वाला डी ऑप्शन 178 का, वो सॉरी 178 है, हाँ 178, तो ये नहीं गलत हो जाएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हो जाएगा प्रजनन की यथार्थता, यानी कि दोस्तों 178 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है,
179। तो क्वेश्चन कह रहा है कि खंड डिजिटल संचार प्रणाली में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ इस भाग का नाम बताना है, ये भाग कौन सा है। तो आप लोग क्या करना, एंटीना चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना और मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। पहला ऑप्शन ये रहा एम्पलीफायर, और 3 ऑप्शन ये रहे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 179 का, अगर आप लोगों ने कौन सा लगा दिया इसका 179 का बी ऑप्शन, यानी कि ये वाला न्यूनाधिक अपॉन मोड लेटर, ये सही हो जाएगा। अंकीय अधिमिश्रण में इस्तेमाल संकेत के नाम क्या हैं, ये देख सकते हैं संकेत, इनके नाम बताने, कुछ नहीं करना है। तो ये संकेत आप देख लें सबसे पहले, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। कुछ नहीं करना आपको, एक दो बार वीडियो अगर देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो 180 का राइट ऑप्शन हो जाएगा PSK सिंगल, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AM प्रसारण मध्यम वेग मेगावाट के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है, उसकी मतलब हमें सीमा बतानी है। तो 181 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 181 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। साथियों आप क्या करें, जल्दी से क्वेश्चन दे दिया करें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 550 हर्ट्ज से लेके हम कह सकते हैं 1650 हर्ट्ज, यानी कि दोस्तों 181 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रकाश की गति क्या है। और दोस्तों ये प्रकाश की गति क्वेश्चन ऐसा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो प्रकाश की गति क्या है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। अगर आप लोगों ने अच्छे से फिजिक्स भी पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में, तो भी ये आप आंसर जो है आसानी से दे सकते हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, वो हो जाएगा यानी कि सी वाला, 3×10^6 m/s, ये हमारा क्या हो जाएगा बी। ओ सॉरी, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, 182 का आज थोड़ा सी ऑप्शन होगा, कौन सा सी वाला। सभी ट्रेनिंग से मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी मतलब क्वेश्चन को गलत बता दिया करूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको सही करवा दूँगा, ठीक है, क्योंकि गलत नहीं बताऊँगा मैं, गलती को अपनी मानता हूँ। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, ठीक है 182 का। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है एनालॉग गुणक IC E633 जो है का कार्य क्या है, मतलब इसका कार्य पूछा गया, जो हमारी IC होती है IC633 वाली, इसका कार्य पूछा गया। तो 183 का राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा AM संकेत उत्पन्न, यानी कि बी ऑप्शन 183 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेनी, ठीक है ट्रेनी। आगे देखेंगे, तो ट्रेनी क्वेश्चन है हमारा, AM रिसीवर में मीडियम वेव वेंड के लिए कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो 184 हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फेराइड रॉड एंटीना, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, ये वाला डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है तरंग रूप का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की मॉड्यूलेशन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको इसके आंसर दिखा दे रहा हूँ, ये देखे इसको बताना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 185 का, ये देख लीजिए। अब मैं इसके आंसर आपको ये दे दीजिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 185 का, 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा FSK, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन और मिला आपको, रेडियो रिसीवर का नाम क्या है। तो रेडियो रिसीवर का नाम बताना, ये कौन सा है। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर आंसर, तो दे दीजिए जल्दी से 3 सेकंड में आंसर। तो 186 का, अगर आप लोगों ने क्या लगा दिया, अगर आप लोगों ने रेफ्लोक्सनल रिसीवर, सी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, ठीक है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तरंग का मॉड्यूलेशन सूचना वो सूचकांक क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन, तो ये रहा, इसको देख लीजिए अच्छे से, बताना है। और इसके जो आंसर हैं वो ये रहे, तो 180
सेवन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला 0.5, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ट्रेनी, देखते हैं 188 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन ये आ चुका है, एनवेलप डिटेक्टर सर्किट में संधारित्र का कार्य क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि इस पीडीएफ से सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर आप लोग 90 या 85 नंबर लाना चाहते हैं तो इसको वीडियो को एक दो बार नहीं तीन बार जितना हो सके उतना देख लेना, रट लेना बस। और आपके जो भी चाहने वाले हों, जो भी आपके यार दोस्त हों, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है एनवेलप डिटेक्टर सर्किट में संधारित्र सी का कार्य क्या है। तो 188 का मिलते हैं आपको 3 सेकंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संकेत संग्राहित करता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट संकेत संग्राहित करता है। तो 188 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा अगला, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन सिग्नल में ड्यू मॉडुलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन, और जल्दी से आप इनका आंसर बता दीजिए हमको। तो 189 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि ये वाला एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है किस प्रकार की एफएम डिटेक्टर अवधारणा आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं वक्र का उत्पादन करती हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जूम कम कर दूँ, ये यहाँ पर देख लेना, मैक्स आउटपुट, सेंटर, मेन आउटपुट, फिर है फ्रीक्वेंसी। तो इसके ऑप्शन ये रहे इसके। तो 190 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड, बताइए। तो वो हो जाएगा यानी कि 190 का एफएम स्लोप डिटेक्टर, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कौन सा साधन रिसीवर सर्किट में एफएम डिटेक्टर संरेखित करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 4 ऑप्शन, बताइए जल्दी से क्वेश्चन 3 सेकेंड। तो 191 का अगर आप लोगों ने 191 क्या लगा दिया है, यानी कि सी ऑप्शन ये वाला विरूपण विश्लेषक, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई क्वेश्चन है वाहक तरंगों के ऊपर किस प्रकार का मॉडुलेशन सिग्नल का उपयोग करता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा हुआ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इसका यही ऑप्शन है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको क्यों ना यही बता दूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाकी क्वेश्चन इसके आंसर देखना चाहो ये रहे, ठीक है, वैसे फर्स्ट वाला इसका सही था। आई क्वेश्चन है कौन सा मॉड्यूलन विधि द्विधारी चरण शिफ्ट किंग अनुप्रयोग में प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, अब आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए 3 सेकेंड में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 193 का, वो हो जाएगा फेज मॉडुलेशन, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है AFC मतलब AFC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 194 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वचालित आवृत्ति नियंत्रण, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है FM प्रसारण के लिए आवृत्ति सीमा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी है। चलिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड, बताइए। 195 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एम्पलीफायर पहले इनपुट प्रतिबाधा के साथ ऑसिलेटर के उत्पादन प्रतिबाधा में मेल खाता है। तो बताइए मिलते हैं आपको 3 सेकंड, राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से। 196 का वो हो जाएगा कौन सा, अगर आप लोगों ने कौन सा लगा दिया, ये
वफर एम्पलीफायर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें, रेडियो तरंगों के पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए किस एंड प्रकार एंटीना का प्रयोग किया जाता है। तो 197 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 197 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए 3 सेकंड, यानी ए ऑप्शन, पैराबोलिक एंटीना, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 197 का। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमारा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को आयाम मॉड्यूलेट सिग्नल सिग्नल में सीमा के भीतर क्यों रखा जाता है, मतलब क्यों रखते हैं ये हमको बताना है। तो 198 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकंड, तो वो हो जाएगा विरूपण को कम, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है, आयाम मॉड्यूलन प्रक्रिया में मॉड्यूलन की गहराई को 100% तक बढ़ाने का क्या प्रभाव है, मतलब उसके हमें प्रभाव बताना है। तो 199 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 199 का वो हो जाएगा, यानी कि हमारा 199 का मॉड्यूलेशन से अधिक, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन, मैं सभी ट्रेनी से बार बार यही करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अपना पूरा सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो कुछ पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आपकी क्लासें अच्छे से नहीं हो पाएँ तो कम से कम निमी पीडीएफ को अच्छे से रट लो। क्वेश्चन है, रेडियो रिसीवर सर्किट में छवि आवृत्ति को कैसे रोका जाता है, ये रहे 4 ऑप्शन, तो बताइए। तो 200 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं वो हो जाएगा डी, हाईली सेलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, प्रसारण स्टेशन द्वारा वाहक सिग्नल के ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे रोका जाता है, ये रहे ऑप्शन, चलिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड, मिलेगा जल्दी से, बूढ़ी जल्दी से। 201 का, अगर आप लोगों ने बैंड सिमिटर सर्किट प्रदान करें, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 201 का, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू यूनिटी से अधिक होने पर एएम ट्रांसमीटर आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 202 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगर आप लोगों ने 202 को, चलिए जल्दी बोलिए, मैं आपको 3 सेकंड दे दिया, तो वो हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं गलत विरूपण का उत्पादन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, 202 का डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 203, माइक्रो कंट्रोलर जो है आईसी हमारी 8051 जो आईसी हमारी में किस पिन को मास्टर रीसेट, यानी कि दोस्तों फंक्शन के रूप में चिन्हित करते हैं, उस पिन नंबर बताना है कौन सी है, मास्टर रीसेट, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 203 का राइट ऑप्शन, मिलते हैं आपको 3 सेकंड, तो राइट ऑप्शन वो हो जाएगा, अगर आप लोगों ने क्या लगा दिया है, पिन नंबर 9, यानी कि दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स चिन्हित डिवाइस का नाम बताना है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, इसे बताना ये कौन सा है, तो पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा दूँ इसके, ये रहे, तो 204 का हमारा राइट ऑप्शन, मिलते हैं आपको 3 सेकंड, बताइए, वो हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है, तो कौन सा सर्किट करता है ये हमको बताना है। तो 205 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अंत स्थापित प्रणाली दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है, माइक्रो प्रोसेसर की खामी को दूर करने के लिए कौन सा विकास किया गया है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकंड, 206 का, चलिए बताइए, अगर आप लोगों ने क्या लगा दिया है, माइक्रो कंट्रोलर, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेधड़क होकर रहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम माइक्रो कंट्रोलर में इस्तेमाल किया CISC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये रहे ऑप्शन, बताइए 207 का, अगर आप लोगों ने 207 का क्या लगा दिया है, कॉम्प्लेक्स
इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि दोस्तों कौन सा हो गया हमारा, डी ऑप्शन। आईसी जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर जो हमारा 18 है और पिन नंबर 19 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक जुड़ा है। चलिए 3 सेकेंड, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 208 का वो हो जाएगा क्रिस्टल, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सामान्य प्रायोजन के पता योग्य स्थलों वो स्थानों के लिए OOH से 7FS तक कितने बिट्स गिने जाते हैं। तो 209 का जो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 209 का वो हो जाएगा कौन सा, यानी कि दोस्तों सी 128 बिट्स, ये वाला 128 बिट्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 109 का उन्होंने कौन सा लगा दिया था, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा निर्देश सेट संचायक विशिष्ट निर्देश समूहीकृत है। तो 210 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए आंसर दीजिए। तो 210 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डेटा स्थानांतरण, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर परिवार निर्देश सेट में कितने निर्देश उपलब्ध हैं, कितने हैं। तो 211 का चलते हैं, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड, बताइए वो हो जाएगा 111। क्वेश्चन है MCS51 परिवार माइक्रो कंट्रोलर द्वारा तर्क संचालन कैसे किया जाता है। तो 212 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, वीट्स और वाइट ऑपरेट, यानी कि दोस्तों 212 का हमारा डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई क्वेश्चन है VCC माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 के लिए आपूर्ति पिन नंबर क्या है, उस पिन नंबर को बताना है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। 213 का कौन सा हो जाएगा, अगर आप लोगों 213 का कौन सा लगा दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों सही लगाओ गलत मत लगाओ, वो हो जाएगा डी ऑप्शन 40, कितना 40, ठीक है। आगे देखते हैं सभी ट्रेनिंग, गलत क्वेश्चन मत किया करो, अगर आप इस वीडियो को पहले एक बार देख लो गलत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो फिर उसके बाद कॉपी में लिखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है दोस्तों। माइक्रो कंट्रोलर के उपयोग क्या है, मतलब उसके फुकियो बताना, ये रहे आपके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 214 का बताइए जल्दी से 3 सेकंड, वो हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसे मतलब कह सकते हैं डिवाइस या युक्ति है स्वचालित रूप से नियंत्रण उपकरणों को करती है, तो माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इसका, ये वाला डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 215 क्वेश्चन है माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस DC मोटर द्वारा क्या उत्पादित होता है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड, बताइए। हमेशा देखना क्या उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है टॉक, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन हमारा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर अप काउंटिंग की बिट लंबाई क्या है, मतलब वो बिट होती है ना उसकी लंबाई बतानी है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मिलते हैं आपको 4 ऑप्शन, मिलते हैं आपको समय 3 सेकंड, बोलिए जल्दी क्या लगा दिया आप लोगों ने, ए ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा बी 16 बिट्स, यानी कि दोस्तों इसका 216 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 217 है प्रोग्राम योग्य विलंब उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसर ब्लॉक पल्सेज की पूर्व निर्धारित संख्या को गिनने वाले अनुभाग का नाम क्या है। तो 217 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड, अगर आप लोगों ने क्या लगा दिया घड़ी, राइट ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन। चलिए ट्रेनिंग, आगे क्वेश्चन है IC 8051 में कौन सा खंड बाहरी घड़ी स्रोत पर चल रहा है, ये हमको बताना है, बताइए जल्दी से। तो 218 का 3 सेकंड मिल चुके हैं आपको, बताइए वो हो जाएगा, यानी कि ये इसका भी क्या हो जाएगा 218 का वो हो जाएगा टाइमर, क्या हो जाएगा टाइम, वो सॉरी क्षमा चाहता हूँ, इसका हो जाएगा
काउंटर, यानी कि 218 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है 12 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर चलने वाले एकल 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर का उपयोग करके अधिकतम देरी क्या संभव है, बताना है तो बताइए। तो 219 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड, ये हो जाएगा 65536 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं 220 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लीजिए क्वेश्चन आ चुका है। मेगाहर्ट्ज़ पर चलने वाले जो 12 मेगाहर्ट्ज़ पर चलने वाले 8051 माइक्रो कंट्रोल करिए टाइमर इनपुट की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये हमको बतानी है। चलिए 220 का राइट ऑप्शन था, ये मिलते हैं आपको 3 सेकंड, वो हो जाएगा हमेशा याद रखना 1 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। आगे हमारा क्वेश्चन है टाइमर को फीड करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोल ऑसिलेटर उत्पादन में 12 नेटवर्क द्वारा डिवाइड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, मतलब उनका उद्देश्य बताना है। तो 221 का मिलते हैं आपको 3 सेकंड, बोलिए। अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया है तो गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ट्रेनी, वो हो जाएगा घड़ी संकेत, ये क्या हो जाएगा ट्रेनी, राइट ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा है हमारी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर का उपयोग बुनियादी कार्यक्रम में लंबा अंतराल कैसे कार्यान्वित किया जाता है, एक लंबा यानी कि लॉन्ग। चलिए 222 का राइट ऑप्शन दे दीजिए जल्दी से, वो हो जाएगा ट्रेनिंग कौन सा, डी ऑप्शन ये वाला, कई बार पोषण संख्या, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इसका 222 का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 12 मेगाहर्ट्ज़ पर चलने वाली एकल जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर है 8051 टाइमर का उपयोग करके क्या न्यूनतम विलंब संभव है, न्यूनतम पूछा गया है। तो 223 मिलते हैं आपको 3 सेकंड, बोलिए। अगर आप लोगों ने क्या लगा दिया 1 माइक्रो सेकंड, ये क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं 224 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चिप साधारण उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स से उच्च अंत अनुप्रयोग के लिए उपयोग करने के लिए बहुमुखी है। चलिए 3 सेकंड मिल चुके हैं आपको, जल्दी से बताइए आप इसका आंसर, बता दीजिए 224 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात, कौन सा हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है, डी ऑप्शन इसका 224 का डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है माइक्रो कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम SFIR का फुल फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म तो इस PDF से देखा जाए तो कम से कम 8-10 फुल फॉर्म पूछी गई, और आपको दो नाम मिले तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, नहीं तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाना। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सेफ्टी फंक्शन रिले, ठीक है, बी ऑप्शन इसका 225 का बी ऑप्शन, ओ सॉरी थोड़ा क्या है गलती हो जाती है तो मैं आपको सही बताऊंगा, टेंशन मत लो, वो हो जाएगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 225 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं अगले, माइक्रो कंट्रोल के साथ वादित ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए किस लेंस को पीले प्रकाश पर फिट किया जाता है, बताइए 226 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 226 का राइट ऑप्शन, अगर आप लोगों ने ब्लू लेंस लगाया तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इसका 226 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कौन सा ऑपर डीसी मोटर सर्किट द्वारा खींचे गए उच्च करंट से माइक्रो कंट्रोलर को बचाता है, चलिए ये रहे ऑप्शन बता दीजिए 227 का, वो हो जाएगा ऑप्टो ऑसिलेटर, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे क्वेश्चन है डिवाइस का नाम बताना है, थर्मिस्टर, विकृति प्रमामक, प्रेरक या हम कह सकते हैं तापमान डिटेक्टर, 228 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 228 का अगर आप लोगों ने कौन सा लगा दिया, बी ऑप्शन विकृति प्रमापक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भौतिक मात्रा को उसके संगत विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, 229 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 229 का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन यानी कि ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है RTD का फुल फॉर्म बताना है तो बताइए जल्दी से, 230 का राइट ऑप्शन, तो फुल फॉर्म बताना है तो 230 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ,
फुल फॉर्म डी हो जाएगी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है प्लेटिनम आरटीडी डिवाइस का अधिकतम का मान क्या है, तो 231 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अधिकतम पूछा गया, वो हो जाएगा हमारा 650 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा है थर्मोकपल्स का उपयोग किसके कर उपयोग करके तापमान की किस सीमा तक मापा जा सकता है, 232 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम दोस्तों 270 से डिग्री सेल्सियस लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस सी ऑप्शन इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है कौन सा सेंसर किसी भी भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगा सकता है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 233 का, वो हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कौन सा अपकर्ण बल को विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, 234 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 234 का वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि दोस्तों लोड सेल, ठीक है ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन कौन सा सेंसर स्टील की प्रक्रिया तापमान माप के लिए उपयुक्त है, तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन 235 का, वो हो जाएगा थर्मोकपल सी ऑप्शन, ठीक है आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा अगला है कौन सा परीक्षण सर्किट आरेख के माध्यम से आयोजित किया जाता है, ये रहा अब हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन 236 का वो हो जाएगा तापमान नियंत्रण परीक्षण सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिरोध आर्द्रता मापी का उपयोग क्या है, तो क्या है 237 का, वो हो जाएगा नमी को मापने के लिए दोस्तों ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है नमी को मापने के लिए। आगे क्वेश्चन हमारा है स्ट्रेन गेज के क्या उपयोग हैं, तो क्या उपयोग है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा संपीड़न और तनाव माप यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इसका तो क्या हो जाएगा इसका यानी कि संपीड़न और तनाव माप डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है 238 का। आगे देखेंगे LVDT के उपयोग क्या है, तो बताइए इसका आंसर 239 का। चलो मिलते हैं, अब ये हो जाएगा विस्थापन को मापने के लिए यानी कि ट्रेनी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240 कौन सा सक्रिय प्रकार में ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो एक ही है कौन है थर्मोकपल, ये आप अच्छे से रट लेना ठीक है थर्मोकपल। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है प्रॉक्सिमिटी सेंसर में किस कार्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है ये हमको बताना है। क्वेश्चन है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 241 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाया यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है सेंसिंग सर्किट में थर्मिस्टर का अनुप्रयोग क्या है, तो चलिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड बताइए जल्दी से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका तापमान को मापने के लिए यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन ये हो जाएगा तापमान को मापने के लिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 243 सिग्नल आउटपुट सिग्नल का उत्पादन किसके लिए निष्क्रिय ट्रांजिस्टर द्वारा किया किस सिग्नल का उपयोग किया जाता है, तो 243 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बताइए वो हो जाएगा हमारा उत्तेजना संकेत बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 244 किस प्रकार का सेंसर त्वरित और सटीक माप देता है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर जल्दी बताइए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोड सेल यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 245 किस प्रकार का ट्रेन गेज का उपयोग ट्रेन गेज सबसे संवेदनशीलता और विश्वसनीय है, तो राइट ऑप्शन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोजो इलेक्ट्रिक यानी कि दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा ये वाला हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246 कौन सा माप इस परीक्षण द्वारा किया जाता है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 246 का ऑप्शन आपकी ये रहे, ठीक है। बाकी ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाकी के ऑप्शन ये रहे, तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, यानी कि सी वाला, ठीक है, तनाव माप। आगे क्वेश्चन है प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य क्या है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा टोक के मापन, यानी कि दोस्तों टोक के माप बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 248, कौन सा घटक विस्थापन की माप में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये देख सकते हैं और ये रहे इसके ऑप्शन, तो बताइए राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभ करने वाला, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है लोड सेल के उपयोग क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं वल को विद्युत संकेत में कन्वर्ट करता है, इसका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा है तापमान में वृद्धि सकारात्मक तापमान गुणांक घटक के प्रतिरोध मूल्य को कैसे प्रभावित करती है, तो कैसे करती है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोध मूल्य बढ़ जाती है। तो साथियों हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमने पहली पीडीएफ को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो हमारी निमी की पीडीएफ है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी सेकेंड पीडीएफ स्टार्ट होगी, उसको मैं क्या करूँगा, दो वीडियो में पूरी बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, मतलब कह सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करना प्लीज़। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, रिकॉर्ड करने में, क्वेश्चन को एडिट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपके जितने भी यार दोस्त चाहने वाले हों उनमें इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी दोस्त के नंबर कम आए या किसी भी ट्रेनी के नंबर कम आए, ठीक है। भर भर के नंबर लाओ, अच्छे से इन वीडियो को एक दो बार रिवीजन करो, दो बार तीन बार जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, तो हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड नाइट।